वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका है। कोशिशों के बाद भी इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है। ऐसा ही एक रहस्य है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, जो सदियों से अनसुलझा है, यानी इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। दरअसल यहाँ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में छुपा है वो रहस्य जो सबको हैरान कर देता है। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया है और फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता आया है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी ये स्तंभ वहां पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र होता गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसे बनाया कब गया, किसने बनाया इसे और क्यों बनाया। जानकारों की माने तो बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की तरफ है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब यह है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस काल में भी लोगों को ये जानकारी कैसे थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा है या नहीं, ये बात अब तक एक रहस्य बनी हुई है। आज के समय में तो विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ये सब चीजें पता की जा सकती हैं। दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है ये समझ से बिल्कुल परे है। आप सोमनाथ मंदिर के बारे में तो जानते होंगे, पर यकीनन सोमनाथ मंदिर का ये राज आपको नहीं पता होगा।